गुर्दे की पथरी यानी किडनी में स्टोन एक ऐसी समस्या है जो हिंदुस्तान में बेहद आम है। देश का हर दूसरा व्यक्ति या तो गुर्दे की पथरी से ग्रस्त है या उसका कोई जानकार। किडनी में पथरी की समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। कई बार लोग पथरी को निकालने के लिए कई घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, लेकिन इसका परिणाम यही होता है कि उनकी ये समस्या बढ़ती जाती है और उनकी कई तकलीफों का कारण बन जाती है। इसलिए समय रहते किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना और इसका सही इलाज कराना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कैसे बनती है किडनी में पथरी और क्या है इसका इलाज। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किडनी में स्टोन बनता कैसे है। हमारी किडनी रक्त को साफ करने के दौरान उसमें मौजूद सभी वेस्ट पदार्थों और गैर जरूरी पोषक तत्वों को अलग कर उन्हें पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती है। लेकिन रक्त में वेस्ट पदार्थों की मात्रा और पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होने पर या किडनी के ठीक से काम न करने की वजह से ये वेस्ट पदार्थ किडनी में जमा होने लगते हैं और जो बाद में स्टोन का रूप ले लेते हैं। किडनी में बनने वाली पथरी मिनरल और एसिड सॉल्ट से बनती है। ज्यादातर मामलों में किडनी में बनी पथरी पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाती है, लेकिन आकार बड़ा होने की वजह से या किसी कारणवश पथरी पेशाब के जरिए नहीं निकलती, तब डॉक्टर इसके लिए दवाइयां और सर्जरी का सहारा लेते हैं। किडनी में स्टोन्स कई तरह के होते हैं। पहला है कैल्शियम स्टोन, जो किडनी स्टोन का सबसे आम प्रकार है। ये किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट और फास्फोरस जैसे केमिकल्स के मेल से बनता है। जो व्यक्ति कम पानी पीते हैं या ऑक्सलेट और फास्फोरस वाला खाना ज्यादा खाते हैं, उन्हें इसकी समस्या ज्यादा होती है। 80% लोग इस किडनी स्टोन से परेशान हैं। इसका दूसरा प्रकार है यूरिक एसिड स्टोन। ये स्टोन महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक पाया जाता है। ये किडनी स्टोन तब होता है जब पेशाब में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है। इसका तीसरा प्रकार एस्ट्रोवाइट स्टोन है। ये स्टोन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा होता है। जिन महिलाओं को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, उन महिलाओं को इस स्टोन के होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके बाद इसका अगला प्रकार है सिस्टीन स्टोन, जो महिलाओं और पुरुषों दोनों में हो सकता है। हालांकि इसके मामले अन्य प्रकारों के मुकाबले कम ही पाए जाते हैं, लेकिन जिन परिवारों में इस स्टोन की हिस्ट्री है, वहां इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके विभिन्न प्रकारों को जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं उन लक्षणों की, जो ये जानने में मदद करेंगे कि आपको किडनी स्टोन है या नहीं। किडनी में स्टोन होने पर आपको कमर के पिछले हिस्से में दर्द, पेशाब करते समय दर्द या जलन, पेशाब का रंग बदलना, उल्टी और उबकाई आना, बार बार पेशाब करने की तीव्र इच्छा होना, सामान्य से पेशाब कम या ज्यादा आना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। हमने ये तो जान लिया कि आखिर किडनी में पथरी बनती क्यों है, लेकिन उस पथरी के बनने की वजह क्या है, अब इस पर बात करते हैं। इसके कुछ कारण हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जो कुछ इस तरह है। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां ज्यादा गर्मी और उमस रहती है, तो आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस ज्यादा हैं। जेनेटिक कारणों से भी किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। भोजन में ज्यादा नमक लेना भी किडनी स्टोन का खतरा बढ़ाता है। हाई प्रोटीन डाइट लेने से भी किडनी स्टोन की संभावना बढ़ती है। शरीर में पानी की कमी होना भी इसका एक आम कारण है। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी भी इसका कारण बन सकती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसी पुरानी बीमारियां भी किडनी स्टोन बनाने में मदद करती हैं। खाने में चावल, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर और बीज वाली चीजें ज्यादा लेना भी इसका एक कारण बन सकता है। किडनी स्टोन बनने के बाद ये स्टोन किडनी में भी रह सकते हैं और पेशाब के जरिए यूरेटर में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर स्टोन का साइज बढ़ा तो ये पेशाब के दौरान निकलते समय किसी हिस्से में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से कई परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि कई बार पेशाब का बहाव रुक जाने की वजह से गंभीर दर्द हो सकता है और पेशाब के साथ खून भी आ सकता है। इसलिए समय रहते इसका इलाज कराना बेहद ही जरूरी है, जिसके लिए सबसे पहले लक्षणों के आधार पर अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, पेट का एक्सरे और कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं। किडनी स्टोन का इलाज उसके आकार के अनुसार ही किया जाता है। अगर पथरी का आकार छोटा है तो मरीज को अधिक मात्रा में पानी और तरल पदार्थ पीने की सलाह दी जाती है, ताकि पथरी पेशाब के रास्ते बाहर निकल सके, और दर्द को कम करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। लेकिन अगर पथरी का साइज बड़ा है और वो पेशाब के रास्ते बाहर नहीं निकल सकती, तब डॉक्टर थेरेपी और सर्जरी की मदद से स्टोन को बाहर निकालते हैं। लेकिन जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि किडनी में पथरी होने के कुछ कारण हमारी लाइफस्टाइल से ही जुड़े हैं, इसलिए कुछ बातों को ध्यान में रख हम किडनी में पथरी के खतरे को कम कर सकते हैं।
इसलिए कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें, जैसे अधिक मात्रा में पानी पिएं, कम कैल्शियम लेने से ऑक्सलेट का स्तर बढ़ सकता है जिससे किडनी में पथरी की समस्या हो सकती है, इसलिए अपनी उम्र के अनुसार सही मात्रा में कैल्शियम लें। नमक का सेवन कम करें, वजन को नियंत्रित रखें, ज्यादा शुगर खाने से परहेज करें, नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें, जंक फूड से परहेज करें। अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव कर न सिर्फ आप किडनी स्टोन के खतरे को कम कर सकते हैं बल्कि कई और अनचाही बीमारियों से भी बच सकते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है इन छोटी छोटी जरूरी बातों को ध्यान में रखना ताकि आप हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें।